ओम्पो, आज मेरे गाड़ी का शॉकर टूट के मेरे हाथ में आने वाला है, मुझे पता है। साला रोड ही बवासीर है, तीनों हेमलेट लगा के आए रे। आ धोखा हो गया, 240 मीटर पीछे ही है, वही ट्रक है, वो खड़ा है देखिए पीछे। एक भाई के लिए पूरा ट्रक ही है। चाबी गए। Assalamualaikum guys, this is Akhil Nadeem, you're watching me on channel Ayan Khan, I'm back again with a brand new vlog. काफी दिनों के बाद आज vlog कर रहा हूँ। अभी हम जा रहे थे आगरा के लिए, एक दोस्त थे उसके साथ, उसका कुछ काम है, अब रास्ते में पहुंचे के फिर बताएंगे। अभी निकल रहे जल्दी में हूँ मैं, काफी देर से फोन भी कर रहा है। मैं फजर की नमाज पढ़ा उसके बाद आ गया था, वेट कर रहा था, बट वो फोन करने में लेट किया, तो फिर मैं अपने काम वगैरह में बिजी हो गया। जब काम में बिजी हो गया तो उसने फोन किया, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। खैर हेलमेट मैंने ले लिया और ये नाश्ता तो मैंने किया नहीं, इसलिए सेब खाते खाते जा रहा हूँ मैं। अपनी पलटन भी तैयार है, देखिए तीनों लोग बैठे हुए बेचारे भीख मांगने के पोज में बैठे हैं। चलो चलो ठीक है, गंदे गंदे इशारे मत करो, रास्ता याद है ना कि वो लगाना पड़ेगा मैप के लिए। मेरा हेलमेट पकड़ोगे जी? भाई साहब के पास बहुत सारे हेलमेट हैं, ठीक है लेट्स गो। भाई साहब क्या मस्त। But stars on the wall, praying with the one star, the teacher wouldn't call her. We would stare at each other, 'cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really cared if I wasn't. तो गाइस अभी 56 किलोमीटर और बचे हुए हैं। अभी कुछ देर के लिए रुके थे हम पेट्रोल डलाने के लिए, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। ये पता नहीं क्यों आगे रोक के रखे हुए हैं। हाँ। वापस हमें घुमा के जाना पड़ेगा। तो गाइस देख सकते हैं आप, अच्छा खासा आगरा का एक्सप्रेसवे था, हाईवे था, वो सब छोड़ के कहा हम वादियों में ऑफ रोडिंग कर रहे हैं हम वादियों में। ओम्पो, आज मेरे गाड़ी का शॉकर टूट के मेरे हाथ में आने वाला है, मुझे पता है। कोई नहीं, जिंदा बचे तो ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। गाड़ी चलाते हैं आप? अरे हम नहीं चला रहे हैं साला, रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का शॉकर बैठ गया लगता है। और हम हाईवे में पहुंच चुके हैं। मैं चला चला के थक गया हूँ, अब साकिब भाई साथ चलाएंगे। मेरी हालत खस्ता हो चुकी है, भूख भी लगी है, बट पहले पहुंचेंगे, काम करेंगे, उसके बाद खाएंगे। पता नहीं मेरे बाल कैसे, मुझे पता है बाल मेरे झोपड़ों जैसे होंगे। अभी आगरा शायद 20 किलोमीटर और बचा है। और अपने जनाब लोग गूगल मैप का प्रयोग करते हुए रास्ता देखने के लिए पहुंच गए क्या? यहीं पे है, यहीं पे आ रहा है देर का। अरे यही है तुम्हारी बाइक, मैंने सोचा नहीं था इस पे तुम सवारी करोगे। खैर गाइस हम लोग भाई की बाइक लेने, अभी तक बताया नहीं था मैं व्लॉग में, अभी बता देता हूँ इन बिटवीन माई व्लॉग। भाई की बाइक आ रही है मऊ से, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए आ रही है, तो उसी को हम आए हैं पिक करने के लिए। आज ये हेलमेट पहन लो, कल तो सोने का मुकुट पहनोगे बेटे। अच्छा, अगर कामयाब हुए तो क्या मतलब? आगरा रिंग रोड आएंगे ना, कब तक आएंगे? रिंग रोड के पास में हूँ मैं, आगरा रिंग रोड। ये किसी की पुस्तक गिर गई है साकिब भैया उठाने के लिए, अब वो पुस्तक देखेगा, पढ़ाई करेगा और यूपीएससी और नेट का एग्जाम क्लियर कर लेगा। ये वो लेबर वाला बुक है, देख रहे हैं दिहाड़ी मजदूरी में कितना कम रुपया है दोस्तों। चल रहे हैं क्या पब्लिक? हमारा जिससे आ रहा था बाइक वो पहुंच गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला। और ये भयंकर जाम लग चुका है। So guys, पहुंच गए हम अपने लोकेशन पे, आई गेस। यार आजू, तीनों हेमलेट लगा के आए रे। आ धोखा हो गया, 240 मीटर पीछे ही है, वही वे ट्रक है, वो खड़ा है देखिए पीछे, ठीक है चलिए चलिए जल्दी वहां से हटो, मैं इस पे बैठ के जाऊंगा। अब इसी में है अपनी बाइक, यही चे यही चे। Before we move further, क्या आपके पास कोई ऑफिस है, क्या आपके पास कोई घर है, या कोई घर का कोई कमरा है पर्टिकुलर जिसको आप रेनोवेट कराना चाहते हो, या फिर उसके इंटीरियर जो है डिजाइन करवाना चाहते हो, बट आपको कोई ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर एक जिम्मेदार लोग जो कि जिम्मेदारी से वो काम करें और फिर अकाउंटेबल भी रहे, मतलब वो जो काम करे उसके लिए वो आंसरेबल रहे, वो क्यों काम किए हैं, क्या यूज किए हैं, इन सब चीजों से आप जूझ रहे हो अभी तक, परेशान हो,
तो मेरे पास उसका एक सोल्यूशन है। सो फिक्स एंड सर्व करके एक फर्म है जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दे आर वेरी ऑथेंटिक रिलायबल। इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छे से किए हुए हैं और ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी है और गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड भी है। इनकी सर्विसेज की लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आपको यहाँ पे गिरा नहीं सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक दो चीज ले लें। फॉर एग्जाम्पल भाई अपने रूममेट शर्फे आलम भाई, ये कुछ दिनों में डॉक्टर बन जाएंगे तो अपने लिए क्लिनिक ढूंढेंगे। तो क्लिनिक जब ढूंढ लेंगे, खरीद लेंगे, उसका कहेंगे अरे यार खरीद तो लिया, ज्यादा दिमाग क्यों लगाऊं, इसकी इंटीरियर मैं खुद क्यों डिजाइन करूं, उसमें जरूरत पड़ेगी फिक्स एंड सर्व की। तो उनको आप सर्विस का मौका देंगे। तो कॉन्टैक्ट के डिटेल्स जो है स्क्रीन पर आ जाएंगे, बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। उनको आप जाके कॉन्टैक्ट कीजिए, रीच आउट कीजिए और कोई भी सजेशंस, कोई भी हेल्प, कोई भी क्वेरी है तो डायरेक्ट आप उनसे जाके रूबरू हो सकते हैं। शायद मैंने सही उर्दू इस्तेमाल की। खोल दीजिए, खोल दीजिए, खोले भाई खोलिए, नाश्ता पानी करने का ड्राइवर बड़े ध्यान से देख रहे हैं। कभी कुछ देर में गुफा के अंदर से खजाना मिलेगा। और ये नफीस अपनी मिस्त्रीगिरी करते हुए एक भाई के लिए पूरा ट्रक ही है। चाबी गए अपना सीवीआर समझ के इसको उतारना था क्या हल्के में। मिशन अकम्प्लिश्ड, बस अब जाके खाना खाना, भूख लगी बहुत जोर की, उसके बाद इधर से निकलते हैं। मैं चिल्ला के हो रहा था, मुझे भी नहीं पता कैसा फील हो रहा है सर। मक्खन, क्या ये गाड़ी, फिर क्या ये गाड़ी और क्या ये गाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिए, ये 19.5 किलोमीटर चली है बस। नफीस और वो साकिब बाइक ले लिए, मैं नफीस की सीबीआर ले लिया हूँ, अभी जा रहे पेट्रोल डलाने। बिस्मिल्लाह। अभी हम थोड़ा सा खाने पीने के लिए छोटा सा ब्रेक लिए थे, हाथ मुंह वगैरह हम लोग धो लिए, बस खाने का भी ऑर्डर दे दिया, वेट कर रहे खाना आ जाए। शाही पनीर और मटर पनीर हमने ऑर्डर किया है। हाफ शर्ट में जो मैं आ गया हूँ बाहर, पूरा मेरा स्किन जो है बर्न हो चुका है। इसका कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, रेमेडी ढूंढना पड़ेगा। स्लीव एक्सटेंडर्स मैं पहनता था, अब वो वापस से पहनना शुरू करना पड़ेगा। फिर मैं हाफ लेडीज, देखिए स्टीरियोटाइप कर रहा है, कह रहा है हाफ लेडीज बन जाऊंगा मैं। नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसा ही है। सबसे पहले हम दही से शुरुआत करेंगे, अब अगला स्टॉप सीधे जाके हॉस्टल अपने। इधर से हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। अब ये भाई साहब का पेट ही नहीं भर रहा है, जल्दी वहाँ से खा के हटो। हाथ तो पूरा जल चुका है मेरा, ये हाथ देखे कैसे गंदे हो गए। अपना हाथ दिखाओ रे, हाथ दिखाओ, इंस्पेक्शन कराओ। हाँ ठीक है, दारू पी के नहीं गाड़ी चला रहा, तुम अपना हाथ का इंस्पेक्शन कराओ, तुम्हारा सबसे गंदा होगा। नहीं ये दारू पी के गाड़ी चला रहा है। ये हाफ वाला जो हेलमेट है ना किसी काम का नहीं लिटरली। अभी इसमें 19 किलोमीटर था, अभी 123 हो गया, तो इसका थोड़ा सिस्टम हिला हुआ है। हम लोग कितना मुश्किल से चलेंगे, 50 किलोमीटर है ना, 50-60 के चले हैं, मगर इसमें 100 के ऊपर दिखा दिया। ये इतना गर्म है, बाप रे बाप, मेरा पैर हल्का सा लगा इधर, जल गया। लगभग अलीगढ़ हम लोग पहुँच गए, 5 किलोमीटर बाकी है, और मगर फिर भी ये बहुत जोर की प्यास लगी थी। एक लास्ट बार हमें सोडा पीना पड़ेगा। नफीस, गाड़ी हमने बदल दी है, हॉस्टल जाके नहाना वाना है, कपड़े बदलना है, भैया हालत खराब हो चुकी है। सो गाइस फाइनली अलीगढ़ हम लोग पहुंच गए, सबकी हालत देख रहे हैं, इसकी भी हालत, इसकी भी हालत। ये हेलमेट बड़े काम आया, मेरा नहीं है, मिनहाज के भैया का है। इतना स्पीड में चला है तू, सही बता। तुम्हारा 111। आंख मेरा पूरा लाल हो चुका है, देख रहे हैं। ये जो हाफ फेस वाला हेलमेट रहता है ना, उसमें हवा जो अंदर जाती है, उसकी वजह से आंख जो है पूरी लाल हो गई है। और ये वाला रहता है कैसा भी हो, मगर कवर रहता है कम से कम। तो गाइस पहुंचते ही जोर का वक्त हो गया है, अब नमाज पढ़ लेते हैं फिर ही जाएंगे रूम पे, वरना फिर पता नहीं कब पढ़ पाऊंगा। पहले कुछ देर सोएंगे भैया, उठेंगे फिर नहाएंगे, उसके बाद फिर बाकी बातें बाद में। मैं 1.5 घंटा सो भी गया आराम से, उठा नहा लिया, अभी असर का वक्त हो गया, जा रहे नमाज पढ़ने। इस व्लॉग को एडिट करना है, वो एडिट करेंगे, फिर दूसरा व्लॉग जो मैंने प्ले बटन वाला स्टार्ट किया हुआ था, प्ले बटन मेरा कल ही आ गया था, उसका भी व्लॉग अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसको कंप्लीट करूंगा, फिर उसको भी एडिट करूंगा,
फिर उसको अपलोड करूंगा, वो सेपरेट व्लॉग रहेगा प्ले बटन का। बाकी मैंने स्टोरी लगा दी थी इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे अप टू डेट करता रहता हूँ मैं, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, वहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस नमाज पढ़ ली, अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। That's it for today, guys. मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ, चाय पी ली, अपना काम धाम जो करना था वो कर लिए, मिलते हैं नए ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ मेरा कब ऐसा दिन आएगा कि मैं अपनी बाइक ऐसे आऊंगा रिसीव करने के लिए। खैर इंशाल्लाह। पिज्जा वाला डब्बा है मगर इसमें पिज्जा नहीं है, एथे से खोलिए, एथे से, एथे सी।